आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिस्कवर विद शुभम में। और मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, और आज की पेशकश है विरासत खालसा। और पीछे दिखा दीजिए यूट्यूब के खंडों को, तो ये देख लीजिए विरासत खालसा में आया हूँ। और मेरे साथ आए हुए हैं करण चौधरी, उनसे मिल लीजिए, हाय कर दीजिए दोस्तों। और चलते हैं हम आगे, और 4:30 का टाइम हो गया है, और हमने टिकट लेकर 4:15 आए थे। और 10 एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ ये जो टिकट है ये मिलने का टाइम 10 से 4:30 तक का है, और अभी 4:30 से ऊपर हो गए हैं, और लास्ट टाइम बस 4:30 तक ही देते हैं। ये गेट पास बिल्कुल मुफ्त है। और इससे पहले हम सबसे पहले कीरतपुर गए थे, उसके बाद हम आए हैं, उसके बाद गए थे अनंतपुर साहिब, उसके बाद हम आए हैं विरासत खालसा। मैंने सोचा संडे था तो इसको 8वां अजूबा भी कहते हैं लोग, और आज संडे है तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। मैं भी लाइन में लग के टिकट मिली। हाँ, लाइनों में लगकर ये टिकट मत अच्छी है कि 4:30 से पहले मिलगी। यहाँ से वापस जाना पड़ता और फिर अगले बार आना पड़ता है यहाँ पर। तो दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से भी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। और ये देखिए, देख लीजिए, ये इसको कहते हैं विरासत खालसा। और यहाँ पर आज मैंने आया था, मैंने कहा अपने दोस्तों को दिखा दूँ, और इन्होंने ना तो अंदर फ़ोन लेके, फ़ोन तो ले गए अंदर, पर ना इन्होंने वीडियो बनाने दी, ना फोटो मैंने कोई भी खींची। और इतनी शक्ति हो गई है इस बारी, पिछली बार मैं आया था तो फ़ोटो भी खींची थी और वीडियो भी नहीं बनाने दी इन्होंने, ना फ़ोन से जेब से फ़ोन ही नहीं निकालने देते ये। तो पिछली बारी जो मैंने वीडियो बनाई थी वही मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूंगा, और ख़ुद ही अगर आप देख लेना अंदर से तो बहुत कुछ है देखने के लिए। और बस मैं तो खुद आकर देखेगा, और ना अगर आपको अपने पंजाब का इतिहास में कोई दिलचस्पी है या पता लगाना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पर ज़रूर रहिएगा। कई बातें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए हैं बच्चों के लिए खासकर,
जो अभी अडल्ट एज से छोटे हैं, और कैमरा मैन करण चौधरी से मिलवाता हूँ आज, वो भी उदास है, उनकी भी कोई पिक नहीं खींच हुई ना मुझसे, तो बस आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके बाय।